Assalamualaikum everyone, welcome to Cooking with Sara. आज मैं आप लोगों को चटपटी क्विक लैम बिरयानी बनाना सिखाऊंगी. इट्स वेरी इजी टू मेक. नॉर्मली बिरयानी वगैरह तो घर में बनती रहती है, बट दिस इज गोना बी ऑन मोर स्पाइसी साइड. सो लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स वी नीड टू मेक द बिरयानी. मेरे पास यहाँ पे लैम है, लाइक हाफ के जी लैम. आप अपने हिसाब से जितनी भी बनाना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा बना चाहते हैं, 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, जो भी है. बहरहाल मैंने यहाँ पे क्लीन करके उसको वॉश कर दिया है. और सब्जियों में मुझे चाहिए, मैंने 2 प्याज लिए हैं, बड़ी प्याज उनको चॉप कर लिया है. 2 बड़े टमाटर को ऐसे चॉप कर लिया, आपको बारीक बारीक काटने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मैंने 11 जवे लिए हैं लहसुन के. और यहाँ पे मैंने अदरक लिया है जिसको मैंने काट के थोड़ा सा कूट लिया है. अगर आपके पास अदरक का पेस्ट भी है तो वो भी चल जाएगा. और मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी इमली है. ये इमली जो है मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी अपनी इमली की चटनी बनाने के लिए, लेकिन मैं इसको ऐसे यूज करूँ. अगर आपके पास ड्राई वाली है तो ड्राई भी यूज हो जाएगी. एंड आई एम यूजिंग एप्पल साइडर विनेगर और ऑफकोर्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला, जो कि इट्स स्पाइसी. आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, जो भी आपका पसंद है. और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून क्रश चिली रेड पेपर, 1 टीस्पून मैं नमक ले रही हूँ, और 1 टीस्पून एक्चुअली इट्स टेबल स्पून जो ड्राई कोरिएंडर होता है वो ले रही हूँ. और यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल को मैंने भिगो के साफ करके रखा हुआ है पिछले 5-10 मिनट से. और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मुझे 1/2 कप दही मैंने फेंटा हुआ है. और लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्टेप. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, जिसके अंदर मैंने चुटकी नमक डाला है. हमारा पानी तो ऑलमोस्ट है. और इसके अंदर मैं डालूंगी जस्ट चंद कतरे जो है ना इसके विनेगर के. नमक और विनेगर डालने का जो एडवांटेज है चावलों में वो ये है कि इससे चावल जुड़ते हैं. पानी ऑलरेडी गर्म हो गया है, मेक श्योर बॉयल होने लग जाए. बॉयल ही हो रहा है. बिस्मिल्लाह. और आपने मेक श्योर करना है कि चावल जो है वो आप 60% चावल पकाएंगे, 100% नहीं, क्योंकि 40% आप जब हम इसको दम देंगे उसमें चावल पकते हैं. अगर आपको चावलों को ओवर बॉयल कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुशी हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप चावलों को लिटरली लाइक 5 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर, और आपको बस चेक करते रहिए बेसिकली. एंड दैट्स आवर स्टेप. तो अब हम चावलों को बॉयल होने देते हैं. अब हम अपने स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं. मैंने यहाँ कुकर में उसको एक दफा और वॉश कर लिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और इसके अंदर हम डालेंगे अपने 2 कटे हुए प्याज. ये हम कुकर में बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स इवन मोर क्विकर. 2 कटे हुए टमाटर, 11 जवे लहसुन के, और ये कुटा हुआ अदरक. और इसमें डालेंगे हम अपनी सारी स्पाइसेस, करियंडर, फ्रेश पेपर, सॉल्ट. और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी फ्लेम को गलाने के लिए. फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके पानी थोड़ा सा और डाल लेती हूँ. अपने हिसाब से डाली है, मुझे पानी थोड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी. सो ये हम अपनी कुकर को करेंगे बंद और हम इसको पकाएंगे तेज आंच पे फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स. लेकिन कुछ कुकर तेज भी होते हैं तो मेक श्योर कहीं आपका मीट जल ना जाए. 5-6 मिनट इज द मैक्स हम इसको पकाएंगे. ओके. सो हमारे चावल यहाँ पे मैंने ड्रेन कर लिए हैं पानी, और देखें
चावल पूरी तरह नहीं गले हैं, लाइक जस्ट 60%। और यहाँ पे मैंने इसको खोला और हमने बस ये चेक करना है कि हमारा गोश्त गल गया है। हमारा गोश्त तो गल गया है और हम थोड़ा सा अब इसको भूनेंगे। अब हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे। और हमारा तीसरा स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे शान बिरयानी मसाले का जो पैकेट है ये मैं इसमें आधा शान बिरयानी का मसाले का पैकेट डालूंगी क्योंकि हम ये चटपटी बना रहे हैं। सो यू वांट टू कीप लिटिल स्पाइसी। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे मटेरियल को ताकि इसका थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए और इसको हम ऐसे दही में मिक्स कर लेंगे। और द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट फॉर हम अपना यहाँ पे बिरयानी का मसाला और इमली अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे तेज आंच पे जैसे इसका पानी खुश्क हो। ओके तो हमारा जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर रख के नहीं पकाना आप बस कुकर में थोड़ी ज्यादा देर दे दें। मैंने इसके ऊपर रख के पकाया। अब हम इसमें जो हमारा फाइनल स्टेप है वो करने जा रहे हैं। हम इसमें ये दही और चाट मसाला जो हमने इसमें मिक्स किया था आधा पैकेट वो डालेंगे और मैं इसमें 1 टेबलस्पून ये जो है ना इमली डाली है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है ज़्यादा चटपटा बनाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लाइक आई ऑलवेज सेड कि क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से बनाएं। और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप देसी घी कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपका फेवरेट ऑयल है और जिसमें भी आप नॉर्मली खाना बनाना पसंद करते हैं। अब हम इसको तेज आंच में पकाएंगे जब तक हमारा घी ऊपर नहीं आ जाता। मैंने बस इसको मेरे पास को थोड़ा सा यहाँ पे है ना मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही। इसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर देर अब आप इसको पकने दें अच्छी तरह भुनने दें। ओके सो हमारा जो मसाला है बिरयानी का मसाला वो यहाँ तैयार हो गया है। देखें कि इसे ऑयल ऊपर आ गया और अच्छी तरह सब एक जान हो गया और पक गया। अब हम इसको बंद करेंगे और हम आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने बॉटम पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि हमारी बिरयानी चिपके नहीं। सो मैं डालूँगी इसमें पहली लेयर चावलों की और यहाँ पे लिए मैंने थोड़े से पत्ते पुदीने के वो हल्का सा उसके ऊपर करके और ऐसे बस 2 लेयर ही बनानी है हमने इसकी। फिर डालेंगे हम उसके ऊपर चम्मच कर देते 11 चम्मच डालूंगी इसके ऊपर अब बिरयानी मसाला एंड बिरयानी थोड़ी सी मसाला बहुत ही मज़े का लग रहा है। मैं तो वैसे आप लोगों को ट्राई करके बता सकती हूँ। और फिर हम डालेंगे एक और लेयर चावल की
बराबर ऐसे चावलों से, और अभी डालेंगे एक और लेयर मसाले की। इसमें चावल आज मैंने थोड़े से कम डाले हैं बिकॉज खाने वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, सो डालेंगे द फाइनल लेयर। कितना डालूंगी, अब मैं डालूंगी इसके अंदर और चावल, हमारी लास्ट लेयर है। हम इसको देंगे 2-3 मिनट के लिए दम, ताकि जो हमारे 40% चावल हैं वो अच्छी तरह पक जाए। इसको रखेंगे दम पे। हम इसको दम पे रखने लगे हैं। मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर नहीं डाला है, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बिरयानी में कलर राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत हल्की आंच पे आपने करना है, और अपने पैन को नीचे से ग्रीस करना ना भूलें, थोड़ा सा ऑयल लगा के लेयर्स लगाएं, ताकि आपकी बिरयानी और जो चावल है नीचे ना लगे और जले। एंड वी जस्ट गोना हैव टू वेट 5 मोर मिनट्स, ताकि हमारे जो 40% चावल रह गए हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। एंड देन मैं आपको इसकी फाइनल। ओके, सो हमारी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। एंड लेट मी जस्ट चेक, ओह लुक्स गुड। चावलों को मैं एक दफ़ा बस ट्राई, जी चावल परफेक्टली हो चुके हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है, पर आपने मेक श्योर करना है बहुत तेज़ी से मत करें, क्योंकि चावल अभी भी गर्म है, चावल टूटे ना। उसको बहुत प्यार से पोलाइटली आपने मिक्स करना है इसको। एंड लुक एट दैट, इसको आप सैलड, रायता या किसी भी चीज़ के साथ खाते हैं। ऑब्वियसली हम लोग देसी जब भी कुछ बनाते हैं तो उसके साथ एटलीस्ट सौ लवाजमात तो ज़रूर होते हैं। एंड लेट मी जस्ट पोर अ बिट हियर। सो हमारी बिरयानी यहाँ पे तैयार हो गई है। इट लुक्स सो गुड, आई ऑलरेडी ट्राइड इट अ लिटिल बिट, इट्स वेरी वेरी टेस्टी, और बहुत ही मज़े की स्पाइसी बिरयानी बनी है। आई होप यू गाइस लाइक माई रेसिपी, प्लीज ट्राई माई रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।